तो एक बार हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था तो जो डिसोल्यूशन होता है मतलब ब्रिंगिंग अ मैरिज टू एंड वो दो तरीके से होता है एक डेथ डेथो डेथ हो गई तो पार्टीज ऑटोमेटिकली मतलब मैरिज हो जाता है और दूसरा है डिवोर्स तो जो डिवोर्स है इट इज फर्दर डिवाइडेड इन फोर टाइप्स पहला है डिवोर्स बाय हसबेंड जो हम पढ़ चुके हैं दूसरा है डिवोर्स बाय वाइफ देन डिवोर्स बाय म्यूचुअल कॉन्सेंट एंड देन जुडिशियल डिवोर्स

judicial uh, intervention that is judicial divorce which is further divided into three types lian fusk and dissolution of muslim marriage act 1939 hello sincere aspirants i am shami anjali and you are watching legal bites you can count on us for all your types of legal exams and law learning, be it mock test series, previous year papers, real time practice, PDFs, all types of study material, and much more. You can visit our website for that. So, coming to our topic for today, which is divorce by wife. तो डाइवोर्स बाई वाइफ जो होता है उसे हम अंडर इस्लाम बोलते हैं तलाक तफवीज दिस इज द ओनली वे थ्रू विच अन कैन गिव डाइवोर्स टू हर हजबेंड ये सिर्फ एक तरीका है जिसमें एक विमेन अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे सकती है बट देन सच पावर ऑफ डिवोर्स नीड्स टू बी डेलीगेटेड बाय द हसबेंड ओनली मतलब ये पावर भी हसबेंड के पास ही है कि अगर वो डेलीगेट कर दे तभी वाइफ के पास पावर है टू गिव सच काइंड ऑफ डिवोर्स डेलीगेशन ऑफ डिवोर्स में ईद बी परमानेंट और टेम्पररी अगर टेम्पररी है ये डेलीगेशन तो इट इज इरेवोकेबल। बट अ परमानेंट डेलीगेशन द हजबैंड अब ये किस तरीके से होता है सो इट इज इन अ फॉर्म ऑफ एन अग्रीमेंट मेड ईद बिफोर द मैरिज प्रोवाइडिंग दैट वाइफ विल बी प्रिविलेज टू गेट सेपरेटेड फ्रॉम द हजब बाय अ डिवोर्स इफ द हसबेंड डज सर्टन थिंग्स मतलब ऑन सर्टन स्पेसिफाइड कंडीशन वाइफ कैन क्लेम दिस टाइप ऑफ डिवोर्स सच कंडीशन आर इफ हजबिज अर सेकेंड वाइफ या फिर हसबेंड इज अनेबल टू मेंटेन हर फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम और एनी अदर कंडीशन दैट इज नॉट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी सो इफ द कंडीशन अग्रीड इन द अग्रीमेंट बाई द हजबेंड आर वेल प्रैक्टिस्ड देन वाइफ विदाउट एनी प्रीजुडाइज टू लॉ कैंडोल्व हर मैरिटल टाइम मतलब जो अग्रीमेंट में कंडीशंस है अगर उसे हजब वॉयलेट कर दे तो वाइफ कैन

तो इसमें हम एक केस है जो हम देखेंगे वो है केस ऑफ मोहम्मद खान वर्सेस शाह मली यहां पे क्या हुआ था एक प्री नप्चुअल अग्रीमेंट था मतलब बिफोर मैरिज बोथ द पार्टीज एंटर्ड एंटर अग्रीमेंट यहां पे डिफेंडेंट अग्री टू लिव इन द द्लेंटिव हाउस एंड इफ ही वुड लीव द हाउस देन ही वुड हैव टू पे सर्टेन सम टू द द्लेंटिव ये कंडीशन दोनों पार्टी के बीच में अग्रीड था नाउ ब्रीच ऑफ दिस कंडीशन वुड ऑपरेट एज डिवोर्स

टू ले डाउन का क्या मतलब है टू एंड मतलब हस्बैंड लेस डाउन हिज राइट ओवर हिज वाइफ हस्बैंड कंप्लीटली लेस डाउन मतलब वो अपने राइट्स को सरेंडर कर देता है खत्म कर देता है ओवर हिज वाइफ खुला इज अ डिवोर्स विथ म्यूचुअल कॉन्सेंट एंड एट द इंस्टेंस ऑफ अ वाइफ इन विच शी अग्रीज टू गिव सम टू हर हजब इट इज बेसिकली अ रिडेम्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज अब खुला के एसेंशियल्स क्या होते हैं तो यहां पे जो ऑफर है ऑफर टू डिवोर्स, इट मस्ट कम फ्रॉम वाइफ साइड मतलब ये करती है. यहां पे भी है, है. लेकिन जो शिया लॉ है उसमें हस्बैंड कैन नॉट रिवोक डिवोर्स वंस एक्सेप्टेड हस्बैंड अपने साइड से रिवोक नहीं कर सकते लेकिन वाइफ हैज गिवन द पावर टू रिक्लेम द कॉन्सिडरेशन ड्यूरिंग द

लेकिन खुला में हमेशा जो होता होता है, वो wife करती है। है? वो करती पे क्या होता है? Acceptance of offer makes divorce irrevocable. मतलब एक बार अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया डिवोर्स of तो इट परमानेंट इद्दत यहां पे भी मैंडेटरी है अब देखते हैं लीगल इफेक्ट्स ऑफ खुला एंड मुबारक मतलब लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है इस के डिवोर्स के? तो खुला एंड मुबारक ऑपरेट एज सिंगल इरेवोकेबल डिवोर्स मतलब इट इज परमानेंट टाइप ऑफ डिवोर्स देर फॉर मैरिटल लाइफ कैन नॉट बी रिज्यूम्ड बाय मीयर रिकॉन्सिलियन अ फॉर्मल मैरिज इज नेसेसरी मतलब अगर आपको दोबारा मैरी करना है तो फिर दोबारा विथ ऑल द प्रोसीजर्स यू हैव टू मैरी अगेन इन ईदर ऑफ द केस बी इट खुला और मुबारक इद्दत इज इनकम ऑन द वाइफ

लियान कैन सिंपली बी डिस्क्राइब एज अ रॉन्ग चार्ज ऑफ एडल्ट्री ऑन द वाइफ बाई हर इम्पोजेस फॉल्स चार्जेस ऑन हिज वाइफ, देन अ वाइफ कैन सो हिम एंड कैन ऑल्सो ऑबटेन अ डिवोर्स ऑन द सेम ग्राउंड अंडर द एक्ट बाई फाइलिंग अ रेगुलर सूट फॉर डिजॉल्यूशन ऑफ मैरिज ये एक जस्ट एक ग्राउंड है डिवोर्स का मतलब

मैरिज विल कंटिन्यूल द डिक्री फॉर डिजोल्यूशन ऑफ मैरज इज पास बाई द कोर्ट रिट्रैक्शन कैन बी मेड बाई बिफोर द एंड ऑफ ट्रायलिटिंग अगेंस्ट हर वाइफ एंड सच चार्ज वॉज फॉल्स मतलब अगर हजबर कोर्ट एक्सेप्ट कर ले कि हाँ आई है डिवोर्स मे बी रिट्रैक्टेड और मे बी रिवोक्ट बाई द कोर्ट अब जो दूसरा तरीका है डिवोर्स का वो है फर्स्ट यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे एक काजी के पास पावर होता है डिवोर्स ग्रांट करने का तो जो कुरान है मोस्ट अथॉरिटेटिव सोर्स ऑफ इस्लाम वो क्या बोलता है कि हस्बैंड एंड वाइफ आर ड्यूटी बाउंड टू रिस्पेक्ट ईच अदर एंड ट्रीट ईच अदर रेस्पेक्टफुली एंड ओबे ऑल लॉफुल ऑर्डर ऑफ ईच अदर बट इफ बोथ ऑफ देम फाइंड दैट दे कांट लिव एज हजब एंड वाइफ फॉर्दर देन दे कैन अप्रोच काजी मैरिज तो यहाँ पे काजी के पास अथॉरिटी होती है कि वो मैरिज डिजोल्व कर देगामिनेशन ऑफ केस एंड इट डिपेंड्स नाउ कमिंग इन टू थर्ड टाइप ऑफ जुडिशियल डिवोर्स जो है हमारा डिजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट नाइनटीन थर्टी नाइन तो अगर आपने देखा होगा मुस्लिम पर्सनल लॉ में तो वाइफ के पास बहुत ही कम पावर थे टू तो टेक डिवोर्स इसी वजह से 1939 1939 जिसने wife को कुछ दिए पे सिर्फ तो जो section 2 है Dissolution of Muslim Marriage act 1939 का वो वैसे नाइन ग्राउंड्स की बात करता है जहां पे एक मुस्लिम वाइफ अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले सकती है तो अब हम एक एक करके थोड़ा थोड़ा ग्राउंड्स को समझते हैं So, talking about the first ground that is absence of husband. If whereabouts of the husband are not known for the past four years, then dissolution of marriage decree on this ground will take effect but after six months from the date of. सच डिग्री इज पास ज्यूरिंग दैट पीरियड हजबैंड अपेयर एन पर्सन और थ्रू एन ऑथोराइज एजेंट एंड इफ कोर्ट इज सैटिस्फाइड फ्रॉम द सेम इट मे सेट असाइड द सेट डिग्री मतलब अगर हजबैंड अपेयर हो जाए और बोल दे कि हाँ नाउ आई एम रेडी टू परफॉर्म ऑल द मैरिटल ऑब्लिगेशन टू कॉन्टीन्यू कोर्ट में रेसेंड द डिग्री विदिन बट इट शुड बी विद इन सिक्स मंथ नाउ कमिंग टू द सेकेंड ग्राउंड दैट इज फेलियर टू मेंटेन हसबेंड फेल्स टू प्रोवाइड में पुअर था या इल हेल्थ का था या अनएम्प्लॉयमेंट था मतलब कुछ भी डिफेंस अवेलेबल नहीं है आपको अपनी वाइफ को मेंटेन करना ही है और अगर दो साल तक नहीं किया तो वाइफ इज एलिजिबल टू टेक डिवोर्स ऑन दिस ग्राउंड नाउ कमिंग इन टू अनदर ग्राउंड दैट इज इम्प्रेसमेंट ऑफ असबेंड If the husband is imprisoned for seven years or more, now talking about another ground that is failure to perform marital duties. If without any reasonable cause the husband is unable to perform his marital obligations for three years, then mm her -hmm. impotency of husband. Agar if husband was impotent at the time of marriage and continues to be so. इफ द हजब विद इन वन ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर ओबटेन्ड बाई वाइफ फॉर डिजॉल्यूशन ऑफ मैरिज ऑन द ग्राउंड ऑफ इम्पोर्टेंसी ऑन एप्लीकेशन सैटिस्फाइज द कोर्ट दैट ही इम्पोर्टेंट उस केस में अगर हजबेंड सैटिस्फाई कर दे कोर्ट को देन नो डिग्री शैल बी पासड ऑन दिस ग्राउंड फिर है इंसेनिटी If the husband is insane or suffering from leprosy or any venereal disease from a period of two years, then judicial divorce by wife can be claimed on the same ground that is insanity. फिर आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्राउंड है रेप्यूडिएशन ऑफ मैरिज बाय वाइफ यहाँ पे क्या होता है कि इफ अ गर्ल इज मैरिड बिफोर द एज ऑफ 15 इयर्स, दैट इज बिफोर द एज ऑफ प्यूबर्टी बाय हर फादर और गार्जियन देन अंडर मुस्लिम लॉ शी हैज प्रोवाइडेड अ राइट टू रिप्यूडिएट सच मैरिज आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ एटीन ईयर्स

एक मुस्लिम वुमेन अंडर दिस एप डिवोर्स ले सकती हैं यहाँ पे एक केस है नूर जहान बीवी वर्सेस काजिम अली का यहाँ क्या हुआ था वन नूर जहाँ फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट हर हस्बैंड काजिम अली हु चार्ज्ड हर दैट शी वाज ऑफ बैड कैरेक्टर एंड शी वाज इनामड ऑफ वन अशगर अली एंड कमिटेड एडल्ट्री विथ हिम तो कोर्ट ने क्या बोला कि the doctrine of liyan hai, it has not become obsolete matlab it is still into the practice under muslim law and therefore a muslim woman can bring a suit for divorce against her husband on the ground that her husband has charged her with adultery falsely for her next ground that is cruelty by husband if the husband treats his wife with cruelty then she can approach the court and claim for a decree of judicial separation on the ground of क्रुएलिटी तो अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं क्रूएलिटी के क्या हो सकते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल फिजिकल असोल्ट मेकिंग डिफेमेटरी स्टेटमेंट विच अफेक्ट हर रेप फोर्सेज हर टू लेड एन इमोरल लाइफ ऑब्स्ट्रक्टिंग हर टू प्रैक्टिस हर रिलीजन हजबेंड हैविंग मोर देन वन वाइफ एंड डज नॉट ट्रीट देम इक्वली सो दीज आर द नाइन ग्राउंड विच आर वाइफ हैज एंड शी कैन ऑबटेन डिवोर्स ऑन दीज ग्राउंड अब देखते हैं लीगल इफेक्ट्स ऑफ डिवोर्स क्या होता है वॉट आर द कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ डिवोर्स तो पहला है म्यूचुअल राइट ऑफ इनहेरिटेंस सीजेस मतलब बोथ पार्टीज जो हैं हस्बैंड एंड वाइफ दे केन नॉट इनहेरिट ईच अदर्स प्रॉपर्टी कोहैबिटेशन बिकम्स इलीगल और जब कोहैबिटेशन इलीगल है तो ऑब्वियसली चाइल्ड बॉन्ड आफ्टर सच डिवोर्स वुड आल्सो बी डीम्ड टू बी इलेजिटीमेट डावर बिकम इमीडिएटली पेएबल आपको अपनी वाइफ को इमिडिएटली डावर पे करना है पार्टी कैन कॉन्ट्रैक्ट अन अदर मैरिज जिससे मर्जी आप मैरिज कर सकते हो आफ्टर डिवोर्स वाइफ इज एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस ड्यूरिंग इद्दत पीरियड इन पर्सनल लॉ और बियॉन्ड इद्दत पीरियड चाहिए तो यू कैन ऑलवेज गो टू सी आर पी सी अंडर सेक्शन वन ट्वेंटी फाइव सो ये था ऑल अबाउट डिवोर्स देर आर सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन यू कैन प्रैक्टिस एंड फॉर फर्दर क्वेश्चन विजिट आवर वेबसाइट so this was all in today's video of divorce in the next video we will be dealing with other important topics of muslim law as maintenance and all so i hope you found this video useful and if this video has helped you then please like this video and share your feedback also subscribe for more videos related to law topics thank you